हमारे पास 13-14 महीना है जी। ठीक है, आप जो है बड़हरिया में जो वादा मन से करते हैं, वो मन से वादा निभाने का काम भी हमारी महागठबंधन हमारे नेता लोग करते हैं। हम लोग जब जुमलेबाजी कह के वोट बिटोरने वाले लोग नहीं हैं। बड़हरिया का वादा विकास जी, मेरे विधायक जी किए कि नहीं किए पूरा? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार से बेरोजगारी दूर किया जाएगा और शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा, कर कारखाना खोला जाएगा बिहार के गरीब जनता के लिए, नौजवान साथियों के लिए, कोई भी वर्ग के हो। हमारे नेता आज तक A to Z वाली बात कहे हैं, रोजगार हो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका SCU न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ यूनुस। बड़हरिया की चाहे कोई भी बात तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज बगल में देखिए, बड़हरिया के विधायक बच्चा जी पांडे हैं। चुनाव के बाद जो 24 का चुनाव था, उसके बाद मुझे अब मुलाकात हुआ है इनसे। आज बड़हरिया में IFC का उद्घाटन था, इसी कार्यक्रम में आज हमें इनसे मुलाकात हुआ और कुछ बातचीत करेंगे बड़हरिया के मुद्दे पे। तमाम लोग बात कर रहे हैं 25 के चुनाव, हालांकि 25 का चुनाव अभी दूर है देखा जाए तो। बहरहाल फिर भी हम कुछ जान लेते हैं विधायक जी। विधायक जी, बहुत स्वागत है, आज जन्माष्टमी है, क्या कहेंगे इसके मौके पर? देखिए, जन्माष्टमी के मेन शुभ अवसर पर सभी जनता जनार्दन को मैं अपील करूँगा कि यह पर्व जो है हर्षोल्लास से मनावें, शांति प्रिय पर्व को मनावें और आपस में भाईचारा रखते हुए आगे जो भी पर्व आवे, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल के एकता के साथ इसको मनाने का काम करें। विधायक जी, अगर TSB जी का सरकार, जैसे डिप्टी CM बने थे, कई लाख लोगों को नौकरी दी है, अगर वो अभी तक डिप्टी CM होते तो बिहार का दुर्दशा क्या होता? देखिए, ये तो जो सच्चाई है बिहार का, उसको आप कोई भी उसको भुलाने का या उसको और पर्दा डालने का कोशिश करेगा तो जनता ये तो जान चुकी है कि जो 17 महीना हमारी सरकार रही, जितने बहाली निकाली, जितने लोगों को रोज़गार मिला, तो यह अदर स्टेट वाले भी या बिहार के सरकार से भयभीत लोग हो गया कि अगर ये सरकार रह जाएगी तो हम लोग का कहीं ठिकाना नहीं रहेगा, इतना ना बहाली निकाल देगा, इतना ना गरीबी दूर हो जाएगा, इतना ना बेरोजगारी बिहार से दूर हो जाएगा, हो ना हो इसको गिराना जरूरी है। तो सब लोग मिलजुल के कैसे अपने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना इति करके सरकार हमारा गिर गया। लेकिन जिस मुद्दा पर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्य कर रहे थे, बिहार के गरीब जनता के लिए, नौजवान साथियों के लिए, कोई भी वर्ग के हो, हमारे नेता आज तक A to Z वाली बात कहे हैं, रोजगार हो, व्यवसाय हो, कोई भी कार्य हो, A to Z के लोग गरीब आगे बढ़े, उनकी यही मानसिकता है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार से बेरोजगारी दूर किया जाएगा और शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा, कर कारखाना खोला जाएगा, आने वाले समय में जो पलायन लोग अदर स्टेट में करते हैं, पलायन पर अंकुश लगेगा, पलायन को रोका जाएगा। 25 में क्या लग रहा है, 25 में इस मुद्दे पर आप लोग कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अवश्य जो है हम लोग कामयाब हैं, कामयाब हो पाएंगे, इसलिए कि हम लोग छलावा नहीं देते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं, जो वादा मन से करते हैं, वो मन से वादा निभाने का काम भी हमारी महागठबंधन हमारे नेता लोग करते हैं। हम लोग जब जुमलेबाजी कह के वोट बिटोरने वाले लोग नहीं हैं, हमें करके दिखाने वाले लोग हैं कि जनता के प्रति हम लोग की क्या भावना है, कितना इति से साधारण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मिलजुल के जो है हम आगे बढ़ाने का, बिहार के गरीब नौजवानों को साथ लेकर चलने के काम करते हैं। साथ ही बिहार जब हमारी महागठबंधन की सरकार होगी तो गरीब जनता की सरकार होगी, सारे वर्ग के गरीब जनता की सरकार होगी। हम लोग नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये वो ऐसे ऐसे कह के आपसे घरे में जो लड़ाने वाला काम कर दिए हैं, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, सारे गरीबों की सरकार होगी,
सबको अधिकार मिलेगा। आपने कहा कि वादा पूरा हमारी सरकार करती है, सरकार तो वादा पूरा की, इसमें कोई दुराय नहीं, इसे हम स्वीकार करेंगे। बढ़रिया का वादा विकास जी, मेरे विधायक जी किए कि नहीं किए पूरा? अब जो है आप नज़र उठा के देखिएगा, ठीक है। अभी हमारे पास 13-14 महीना है जी, ठीक है। आप जो है बढ़रिया में, अभी बढ़रिया पंचायत के ले लीजिए, पंचायत भाई कहिएगा तो पंचायत भाई हम आपको बता देंगे। अभी बढ़रिया पंचायत में जो है जाके देखिए, वो देवी स्थान जमुनागढ़ पर हमारा जो है छठ घाट बना हुआ है। उसके बाद जब हम जीते हैं तो बलौती से थाना से लेके वहाँ खानपुर तक रोड हमने बना, पानी लगा फिर टूट गया। साल भर में वो रोड टूट गया, इसलिए कि पानी लगा तो रोड टूटना ही है, टूट गया। उसके बाद फिर हमने जो है पुरानी किला पर जाके देखिए, अगर ढलाई हमने करवाया है पुरानी बाज़ार में जी। उसके बाद नगर परिषद वाले लोग से हम कहे कि हम ढलवा देते हैं, आप लोग नाला बनवा के खानपुर एकदम उधर निकाल दीजिए कि पानी यहाँ निकासी निकल जाए, हमेशा के लिए समस्या जो बना है समस्या खत्म हो जाए।